एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया व्लॉग, क्योंकि कल हम लोग निकल रहे हैं भुवनेश्वर के लिए। अभी क्या हुआ है ना, एक्चुअली कल ही आई थिंक न्यूज़ में आया है कि जो नया वेरिएंट है वो आ गया है इंडिया में, साउथ अफ्रीका। वो जो बंदा आया है मुंबई, साउथ अफ्रीका से मुंबई, वो पॉजिटिव आया है। कोविड ओविड का थोड़ा सिनेरियो चल रहा है, तो वही आज हम सब एयरपोर्ट वगैरह अथॉरिटी में, मेरे एक कज़िन है उनको कॉल करके हम कंफर्म कर रहे थे कि क्या आरटीपीसीआर टेस्ट लगेगा, ये वो सारी चीज़ें। तो मतलब लिटरली ऐसा था, टीनू और हम लोग यही हंस रहे थे कि जब तक शादी की हम लोग प्रेपरेशंस कर रहे थे उस दिन तक हम लोग लिटरली कहीं भी जाते थे हम मास्क लगा करके जाते थे, लेकिन जैसे ही शादी आई, गेस्ट आए, तो ऑब्वियसली आप नहीं चाह करके भी नहीं रख पाते हो मास्क। नहीं, हम लोगों ने सब एक तरफ हो गया, तो थैंकफुली उस टाइम इतने केसेस वगैरह नहीं थे और टच वुड सब कुछ अच्छे से हो गया। बट डेफिनेटली भी जाने में थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है, तो हम लोग बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे इन लॉज दोनों जा रहे हैं, जो मेरी बुआ जी हैं वो जा रही है, मतलब विक्की की बुआ जी हैं वो जा रही हैं छोटी वाली, तो हम सात लोग टोटल जा रहे हैं, और विक्की और मैं। तीनों की जो रिसेप्शन ड्रेस है वो भी हम ही लोग लेकर के जाने वाले हैं। वो ज़्यादा बैग वैग लेकर के नहीं गई, जितने उसको पहनने हो बस उतने ही कपड़े लेकर के गई है। तो रिसेप्शन ड्रेस जो है वो अभी हम लोग लेकर के जाएंगे। रात सुबह से लाइट नहीं थी, तो अभी मुझे पैकिंग स्टार्ट करना है, हेयर वॉश करना है। ये मेरे कर्ल जो है ना, ये उसी दिन से चल रहे हैं, तो हेयर वॉश करके मैं सोच रही हूँ यहीं से सब हेयर स्टाइल करके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि मुझे टाइम मिलने वाला है, या आई डोंट नो। तो मैं यहीं से सारा जो भी हेयर डू है वो सब सोच रही हूँ करके जाती हूँ, एंड स्ट्रेटनर वगैरह नहीं लेकर के जाऊँगी। तो यस, व्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आपको पता ही होगा कि अब विंटर्स ऑलमोस्ट हिट कर चुके हैं, एंड जैसे ही विंटर हिट करते हैं आप लोग इस चीज को फेस करते होंगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, आपके हाथ पैर, जो हाथ पैरों की स्किन होती है वो बहुत स्ट्रेची सी एंड ड्राई होने लगती है, जिसकी वजह से समटाइम्स इचीनेस भी बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी स्किन ड्राई एंड डल हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो आपके स्किन का जो ग्लो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, एंड आपकी स्किन इतनी मॉइस्चराइज्ड नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मामाअर्थ का न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट, जो कि है नरिशिंग कोल्ड क्रीम्स। तो ये तीन वेरिएंट्स में मामाअर्थ ने लॉन्च करे हैं। तो इसमें विटामिन सी, उपटन एंड कोको का वेरिएंट मामाअर्थ ने लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो बना है गुडनेस ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री, बीइंग इंडियाज फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड क्रीम। द बेस्ट थिंग अबाउट दीज कोल्ड क्रीम्स आर कि आप इसको अपने फेस पे एंड अपने बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो यूज कर रही हूँ वो है विटामिन सी का वेरियंट। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ऑर्गेनिक लेमन ऑयल, हनी, विटामिन सी एंड साथ ही साथ ऑलिव ऑयल। तो विटामिन सी आपके स्किन में हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है, हनी के अंदर स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो ड्राइनेस से फाइट करता है, ऑलिव ऑयल स्किन में डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक लेमन ऑयल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं दैट हेल्प्स इन क्लियरिंग अवे इम्प्योरिटीज। ये जो मॉइस्चराइजर्स हैं ये क्या करेंगे, आपके स्किन को डीपली नरिश करेंगे। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला से ये बने हुए हैं, बहुत ही क्विक इनका अब्सॉर्प्शन है, फटाक से मेरी स्किन पे क्विकली अब्सॉर्ब हो गया, और ऐसा लग नहीं रहा है कि जो कोल्ड क्रीम का जो हैवीनेस होता है ना वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फ्री ऑफ ऑल दी हार्मफुल केमिकल्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, चेक जरूर करिएगा, एंड स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे, साथ ही साथ ऐप पर भी। यू ऑल नो दैट मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस, तो जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। साथ ही साथ मामाअर्थ की जो ऑफिशियल ऐप है वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया रहेगा एंड्रॉइड एंड iOS के लिए। App users get early access to sales and hence get extra discount as well. So yes, मेरी सारी packing वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. आज है 2nd of December और हम लोग सब निकल रहे हैं, ऑल सेट, सब लोग रेडी हैं। ये रहा मेरा सामान, और एक ये बैग है और एक ये बस हम लोग लेकर के जा रहे हैं। हमारे जो कैब है वो ऑलमोस्ट अराइव हो गई है मेरे मम्मी पापा के घर, पहले हम पिक करेंगे उनको और उसके बाद फिर एयरपोर्ट निकलेंगे। सो या लेट्स गो।
पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट और यहाँ पर घर वालों के लिए कुछ लिया जा रहा है खाने के लिए। सो लड़की क्या खाओगे? मैं खा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा एक। भाई ब्रेड पकौड़ा का प्राइस देखिए, टू पीस है ना, टीप टीप टू टू पीस है ना, 145 डिवाइडेड बाय टू। बेहतर बेटा यही ले लेती है। ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस सिटी इज़ एकदम क्लीन और ग्रीनरी देखिए आप, तो ग्रीनरी देखिए और जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज लग रही थी वो देख करके मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। अदरवाइज मुझे जनरली ऐसे सिटीज़ पसंद नहीं आते हैं, टायर टू सिटीज़, बिकॉज भोपाल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो इट इज़ लुकिंग लाइक, मुझे एकदम यही फर्स्ट मेरा थॉट आया था कि अरे बिल्कुल भोपाल जैसा लग रहा है, फीलिंग ही हमको बिल्कुल भोपाल जैसी आ रही थी। रीज़न क्योंकि ये भी बहुत क्लीन था, इनका एयरपोर्ट बहुत क्लीन था, बहुत ऑर्गेनाइज एंड सॉर्टेड एंड काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस सिटी is quite good. और हम लोग अभी पहुंच गए हैं भुवनेश्वर और टीनू भी आ गई है गेट पे। सो यू हेलो, चलो हम लोग पहुंच गए हैं भुवनेश्वर। ये रही मम्मी, लेटी हुई है, आराम कर रही है, और ये मैं हूँ। तो एक्चुअली सबके रूम्स डिवाइडेड हो गए हैं, तो मेरे फादर इन लॉ और पापा और विक्की का एक रूम है, मदर इन लॉ और मेरी जो बुआ जी आई हैं उनका एक रूम है, और हम लोगों का एक रूम है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ आए और वहाँ नहीं गए तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है। तो अभी हम वहाँ जाने के, वहाँ के लिए निकलेंगे। 4 बजे की हमारी कैब बुक है ऑलरेडी। टीनू और उसका जो हस्बैंड है, मतलब सैम जो है वो, टीनू और साथ में टीनू के फादर इन लॉ, कल दिन में हम लोग उनके यहाँ लंच के पे जाने वाले हैं, और कोणार्क सूर्य टेम्पल जो है वहाँ घूमेंगे, और शाम को रिसेप्शन है वो अटेंड करेंगे। 80-90 लोगों का ये हमारी फर्स्ट आउटिंग है, मतलब हमारी फर्स्ट आउटिंग है, मतलब मेरे इन लॉज, मेरे मम्मी पापा की फैमिली, टीनू के इन लॉज, मतलब सबकी ही एक तरह से वो गैदरिंग हो गई है, तो वैसा वाला रहेगा ये। तो इसलिए भी चलो ठीक है कि फिर कब मौका मिलेगा, तो इसलिए सब आ गए और सब कर रहे हैं। कैसी लग रही है आपको भुवनेश्वर सिटी? बहुत बढ़िया, साफ है। ये देखिए लोग मास्क पहने हैं, मास्क, हेलमेट लगाए हैं। मैंने देखा जो बिना हेलमेट के यहाँ पर घूम रहा हूँ, अमेजिंग, लव्ड इट। सो अभी हम निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी, पुरी जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग प्रॉपर भुवनेश्वर में हैं, यहाँ से हम पुरी जा रहे हैं। सो लेट्स गो। तो मंदिर जाने से पहले हम लोग जो जगन्नाथ पुरी का जो बीच है, हम लोग जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वहाँ से, वहाँ पर गए थे। थोड़े से छींटे वीटे लिए, ऐसा बोलते हैं कि आपको मंदिर जाने से पहले वहाँ जाना होता है, तो वहाँ हम लोग गए। थोड़े से हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लिए, थोड़ा इन्जॉय किया, एंड फिर हम लोग मंदिर की तरफ गए, बिकॉज 9:00 और 9:30 ऐसा कुछ टाइमिंग्स था जहाँ पर वो बंद हो जाता है, तो हमको उससे पहले दर्शन करने थे, एंड हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे एग्जैक्टली। और यहाँ पर काफ़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हम लोग का बहुत मन था कुछ कुछ लेने का यहाँ से, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम लोग को ये लग रहा था कि हम मंदिर के दर्शन हमारे स्किप ना हो जाए, तो हम सब फटाफट से सबसे पहले मंदिर के दर्शन के लिए गए। और वहाँ पर ना तो मोबाइल अलाउड होता है ना कैमरा अलाउड होता है, तो मैं सिर्फ बाहर का ही पार्ट शूट कर पाई हूँ, और उसके बाद मैंने अंदर तो ऑब्वियसली सब कुछ हमने सबमिट कर दिया था। एंड ये जो मंदिर के ऊपर आप चक्र देख रहे हैं ना, इसकी स्पेशलिटी मैं आपको बताती हूँ, आप जिस भी एंगल से जहाँ से भी इसको देखेंगे आपको ये ऐसा दिखेगा कि ये आपके तरफ ही देख रहा है। मतलब अमेज थी मैं इस मंदिर की, जो भी चीज़ें मैंने देखी थी ना, मतलब साइंटिफिकली भी ये सब प्रूवन नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। इनफैक्ट जो यहाँ पर ऊपर जो आपको
फ्लैग दिख रहा है वो भी हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको एक, अगर आप बिलीव नहीं करते हो कि ये कोई शक्ति नहीं होती, आपको वो बिलीव करवाएगा कि हाँ देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ गॉड. अमेजिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के. तो हम लोगों ने दर्शन किए, प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद बस दर्शन करके हम लोग आ गए थे. यहाँ पर एक सामने ही होटल था, वहाँ पर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया. ओके गाइस, तो अभी हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं एंड अमेजिंग, मतलब इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि मैं लिटरली आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ. और अभी हम लोग जस्ट, ये आपको पीछे मंदिर दिख रहा है, इसी के सामने आए हैं डिनर करने के लिए. तो यहीं पर बैठेंगे हम लोग डिनर के लिए एंड मज़ा आ गया. सिर्फ वन वर्ड है, मज़ा आ गया. थक गए बहुत ज़्यादा बट स्टिल मज़ा आ गया.